सड़कों की सफाई करते रहते हैं। मध्य रात्रि के बाद से ही इनका आयोजन कार्य शुरू हो जाता है। नगर निगम पूर्णिया के सभी कर्मचारियों सभी अधिकारियों को हम हार्दिक बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सफाई कर्मियों का पूर्णिया बहुत बहुत अभिनंदन। आप हैं तो हमारा ये पूर्णिया स्वच्छ और सुंदर है, और जब सफाई है बढ़िए धीरे धीरे गंदगी बाहर है तो झांकी को गति दीजिए, धीरे धीरे झांकी आगे बढ़े। सवेरे मुंह अंधेरे ही ये हमारे सफाई कर्मी गली मोहल्ले टोले में घूमना शुरू करते हैं और हमारी पूर्णिया जिले के सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं। और एक सफाई की झांकी साफ करती हुई जो हमारी महिला कर्मी है यह आपको दिख रही है इस झांकी में, झांकी के साथ आगे बढ़ती हुई अगली झांकी को गति दी जाए। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की झांकी है चौथे स्थान पर। जोरदार तालियों के साथ नगर निगम पूर्णिया के कर्मचारियों का पूरे टीम का बहुत बहुत स्वागत इस राष्ट्रीय उत्सव 26 जनवरी के अवसर पर। जिला थोड़ी सी गति में अभिकरण पूर्णिया के झांकी को आगे बढ़ाए, थोड़ी गति लाए उसमें आप, और मुख्य मंच के सामने शीघ्र आने का प्रयास करें। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित योजना लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं कृषि अपशिष्ट प्रबंधन हेतु गोवर्धन योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना से होने वाले फायदे को यह झांकी दिखाएगी आपको। आप देखेंगे इस झांकी में पहला चूल्हे पर जलावन जैसे लकड़ी या घास का उपयोग और लकड़ियों का उपयोग करने पर वह धुएं से परेशान है, कपड़े जलने की समस्या है उससे चिंतित है, वो बहुत सारी अब सुविधाएं उसे झेलनी पड़ रही है जी बिल्कुल। गोवर्धन योजना के तहत बदलता हुआ स्वरूप है उमेश जी, जी जी अपने आप में बदलता हुआ भारत जिसे कहें, यह बहुत परिवर्तित भारत का दृश्य है जी बिल्कुल। एकदम स्वच्छ वातावरण, न धुएं की समस्या, टेंशन न कपड़े या कहते हैं ना जी आम गुठली का दाम, तो गोबर के कई रूप जिसे हम अगर सही और सुचारू रूप से अपनाते हैं तो ग्रामीण विकास अभिकरण पूर्णिया की प्रस्तुति का, क्योंकि हमारा देश गांव में निवास करता है और हम सभी किसी न किसी गांव से हैं और अपनी माटी और अपनी भूमि की चिंता सदैव करते हैं। अगली झांकी महिला बैंड शिक्षा विभाग बहुत ही सुंदर झांकी, और उमेश जी वो स्मार्ट क्लास की बात आपने सुनी होगी, आधुनिकता अपने आप में आधुनिकता के लिए विभिन्न विद्यालयों में स्थापित किस तरह बच्चे खुश हैं वो दर्शाता हुआ ये झांकी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट क्लासेस को प्रदर्शित किया जा रहा है। यह विशेष उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों और छात्रों को कंप्यूटर में दक्ष बनाया जा रहा है। आप देखिए झांकी में बच्चियां कंप्यूटर के सामने बैठी हुई है, एक उत्साह दिख रहा है बच्चियों में और वो खुशी से नाच भी रही है, आगे आने वाला भविष्य उन्हें बहुत सुंदर दिख रहा है। जिले के 258 उच्च विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के द्वारा डिजिटल माध्यम से रोचक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के रोचक और कलात्मक विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है। गतिविधि को भी शिक्षक के माध्यम से गा बजा कर बच्चों को बताना है, छोटे बच्चों को एक बार जोरदार तालियों के साथ हम शिक्षा विभाग का आभार ज्ञापित करें और उनका अभिनंदन करें। और अब छठी झांकी हमारे बीच ICDS निरंतर बच्चों एवं महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य के लिए कार्यरत है। इस पूर्णिया जिले का जीवन के प्रथम 1000 दिन जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर बच्चे के 2 साल के होने तक माने जाते हैं, यह एक शिशु के जीवन का स्वर्णिम काल है। यह वह समय होता है जब एक नया जीवन प्रारंभ होता है और सही तरीके से सींचने पर समुचित विकास पाता है।
जहाँ गर्भावस्था के महत्व को बताने के लिए गोदभराई कराई जाती है आंगनबाड़ी केंद्रों पर, वही छह माह तक केवल स्तनपान के माध्यम से ही बताया जाता है और अन्नप्राशन के माध्यम से ऊपरी आहार की महत्ता को भी दिखाया जाता है। पूरा परिदृश्य कुछ ऐसा ही, एक गोद भराई की रस्म हो रही है, अन्नप्राशन चल रहा है, संथाली संथाली नृत्य को देखिए, बिल्कुल ये हमारे क्षेत्र से प्रदर्शित किया गया है, बिल्कुल जमीन से जुड़ा गया हमारे इस माटी पानी का, ये हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ये चलन रहा है। सही पोषण देश रोशन, तो यह उद्देश्य है इस। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिवादन कर दें, तालियां बजाएं आप, झांकी आपके सामने से गुजरे। और ये आठवीं झांकी है मध्य निषेध विभाग, नशा मुक्ति पर सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है, यह है इसका विषय। आप देख लीजिए जीविका की झांकी आपके सामने आगे चली आ रही है धीरे धीरे, एक एक जीविका दीदी के पुण्य द्वारा यह संचालित झांकी है, सातवीं झांकी जीविका की है। और जीविका की जयमान परियोजना इस देश के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है, एक समेकित कृषि प्रणाली है, पोषण केंद्रित समेकित कृषि। पूरी इस टीम का बहुत बहुत, जिनका संदेश पोषण केंद्रित कृषि प्रणाली, समेकित कृषि प्रणाली, और इसी को उन्होंने आधार माना है और अपना संदेश पुण्यवासियों को इसी क्षेत्र में दे रहे हैं। बस भी हो, पशुपालन भी हो, दोनों का हम साथ, एक पथ और दो काज वाली बात है। और अगला नशा मुक्ति का सामाजिक प्रभाव पर मध्य निषेध विभाग की झांकी हमारे सामने से गुजर रही है। जी बिल्कुल, इस दृश्य को आप देखिए कि जो नशा मुक्त परिवार है वो कैसा है, अपनी झाड़ू से पीट रही है बच्चे की, शराब की भट्टी बंद करो, बिल्कुल बिल्कुल, और बच्चे को मार कर रहे हैं। और ये नशा मुक्त परिवार, दूसरा परिवार जो नशा मुक्त परिवार बहुत खुशहाल है जी, और नतीजा इसे भिक्षाटन करनी पड़ रही है, तो कृपया इससे उबरना है। अगले जाके जिला नियोजन कार्यालय की है, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र की यह सामने आ रही है। कुछ मुख्य बातें बता दूं कि बिहार स्टेट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा हेतु 4 लाख शिक्षा ऋण दिया जाता है। आंटी छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आंटी छोड़ दीजिए, झांकी में दिखाने का प्रयास किया गया। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को कंप्यूटर, भाषा संवाद कौशल और व्यक्तित्व, 5 गाँवों में जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देखिए कि उन्नत तकनीक के तहत मेड़ पर मक्का की बुआई, धान की सीधी बुआई, जीरो टिलेज से गेहूं की खेती, आलू और मक्का की अंतर्वर्ती खेती, जीरो टिलेज से सरसों की खेती, ये सब उन्नत तकनीक द्वारा की जा रही है। उन्नत तकनीक को अपनाते हुए हमारा ये भारत बदल रहा है, तो हमारा पूर्णिया भी निश्चित रूप से बदल रहा है। कृषि विभाग पूर्णिया की ये सुंदर सी प्रस्तुति, एक बार जोरदार तालियों के साथ इस झांकी के लिए। पूरी मशीन जो है ये अपना किस तरह से कार्य करती है उसकी प्रस्तुतिकरण है, और बहुत सारे लाभ भी है इसके। बिल्कुल, पूर्णिया जिले में ऐसा देखा जाता है कि रबी मौसम में किसानों के द्वारा जो खेती की जाती है वह मार्च अप्रैल तक कटा, और वायु की गुणवत्ता हेतु तरल नैनो यूरिया का उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसे भी देखिए आप, प्रगतिशील किसान श्री शशि कुमार सिंह जी रानी पत्रा में नवाचार विधि से सब्जी खेती करते हैं, आप उनके द्वारा उपजाई गई फसलों को देख सकते हैं। अपने मंच पर गति दीजिए, धीरे धीरे आप अपनी झांकी ऑर्गेनिक सब। और ये उद्यान निदेशालय बिहार द्वारा संचालित योजना है, उद्यान विभाग की झांकी, जिला उद्यान का देश में, पूरे राज्य में कहिए, इस शहर में कहिए, गेंदे का फूल तो आप कभी भी निकल रहे हैं। सहायक निदेशक उद्यान पूर्णिया के द्वारा यह झांकी आपको दिखाई जा रही है। आप देखिए कि इसमें विभिन्न तरह की बागवानी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, फूल की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ कृषि जिला पूर्णिया विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगली झांकी जिला निर्वाचन कार्यालय की झांकी, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25
1/2/23 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 के अवसर पर यह विमोचन किया गया गीत है मैं भारत हूँ। फिलहाल आगे बढ़े वोट देने बढ़े हम। मतदाता बनने से पहले न चुके साल में 4 मौके आपको मिलेंगे, अप्रैल, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर।